गया में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और खाकी वर्दी चुप्पी साथ रखी है। ताजा मामला चेरकी थाना क्षेत्र के जमड़ी गांव में महादलित राम अवतार दास की हत्या शनिवार की देर रात पीट पीट कर कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने के कारण वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप सड़क पर सबको रखकर बिहार सरकार नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं स्थानीय थाना के जवानों ने राहगीरों पर डंडा चला रहे थे, जिससे कई लोगों को चोट आई और गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त था। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि हमारे बिहार में कहाँ है सुशासन, यदि सुशासन होती तो अपराधी कैसे दे रहे हैं घटना को अंजाम। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी में लापरवाही के कारण अपराधी कई तरह की घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम और खाकी वर्दी वाले लोग चुप्पी साध कर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तभी तो अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। कैसे होगा गया में क्राइम कंट्रोल? 112 नंबर की गाड़ियां सभी जिले में लगाई गई हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह खड़ी होकर एक ही स्थिति में अक्सर देखने को मिलती है, जिससे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और गया शहर के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं स्थानीय थाना तत्पर नहीं रहता है, तभी तो लगातार घटनाएं घट रही हैं। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिर हम यहाँ पे गिरफ्तारी कराता है। हाँ, इनका दुकान है। देखिए, अब आप लोग भी समझ गए, हम करेंगे सब चीज। अगर समय लगाएगा तो समय रहते सब अपना जगह पकड़ लेंगे। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं, कोई नहीं बचता है। आप पे पूरा भरोसा है, भरोसा रिक्वेस्ट है कि लेकिन लेकिन हमें ये भी बताया जाए, बिल्कुल जिला में हम सबके गहराई ले है, कुछ कुछ है जितना आप बताए, आप ही ना आप बताए थे कल कि ऐसा ऐसा हुआ था। हमसे अच्छी से बात हुई, बात आपसे अच्छी से हुई, लेकिन हम आपको बोले ना आज के लोगों में इस बात का आक्रोश है कि गया जिला में एक भी मैडम आज तक हम लोग बहुत लिए हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई मैडम आज तक भी। आज भी हमसे आपसे बात करेंगे, देखिए डिपार्टमेंट को हम आपको यही बात बोले थे, बहुत अच्छे से हमसे बातें हुई, हम बोले की आपको अच्छे हैं, ये जितने आपको केस करना है सब इनको पता भी नहीं था कि कौन मार रहा है पहला दिन, है ना, जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे। आप बोले कि फर्द बयान अगर नहीं होता तो आवेदन आवेदन दीजिए, हम यहाँ आए तो फर्द बयान हो गया, लोग कर लिए तो हमको कुछ पता। फोन बहुत बार हमने किया उस नंबर पे शाम तक, बताया नहीं, फिर हमको पता चला तो लेके हम लोग को सारा कार्रवाई स्टार्ट किया, पूछे कि हम लगे हुए हैं कि नहीं इनके परिवार से। अगर मैंने थाना अंतर्गत जमड़ी गाँव में रामोतार दास नामक व्यक्ति जो अभी मृतक पड़े हुए हैं, उनको अपराधियों ने मनुवादी मानसिकता के विचारधारा रखने वाले जाति द्वंस के कारण इनको ईंट और पत्थर से चूर चूर के मार दिए हैं। तो हम अभी हम लोग गत पिछले कई जो केस हुआ है दलितों के शोषण पे, उस पर हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है कि गया जिला में लगभग गिरफ्तारी नाके बराबर हुई है। तो हम लोगों में एक आक्रोश आया है गया के लोगों में कि अब गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ही ये चीज़ हत्या में बदल जाता है। अब आज उसका रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अविलंब गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा हो, और जैसा कि नीतीश कुमार पूर्व में घोषणा किए हैं कि दलितों के हत्या के बाद उनके बच्चा को नौकरी सुनिश्चित किया जाएगा, तो उनका डेडलाइन फिक्स करके आज बता दें कि इनको कब ये सारा चीज़ मिल जाएगा और उसके कब सजा होगा। जमड़ी हुआ थाना चेरकी के अंतर्गत में है, हमारे पिताजी जिनको सब पड़ा हुआ है, ये इनको हत्या कर दिया गया है, ईंट पत्थर से मार मार के चूर चूर के हत्या कर दिया गया। घटना कब घटा है? ये घटना 5 तारीख को घटा है, शाम को तकरीबन 7:45 बजे। कौन लोग हत्या कर दिए इसका? यादव लोग के वहाँ पे अति में बीच में ही थे, वहाँ हमारा खेती बधारी था, वही अपना मशीन को देखभाल के लिए रहते थे। घटना कब घटी थी? ये घटना 5 तारीख को हुआ है, मैंने रात में, दिन रात में, रात में 8 बजे रात में, 7:45 बजे लमसम रात में। तो थाना मामला दर्ज किया गया है? हाँ, मामला तो दर्ज किया गया हुआ है, हुआ है, मामला दर्ज हुआ है। हाँ, दुश्मनी तो 2-3 बार इनको वो किया गया था, एक बार और केस हुआ था जाकर के, हम लोग 22 तारीख को पिछला फरवरी 22 तारीख को इनको अभी की संडा लगाया गया था कि ताकि ऐसा ना करें, और इसका अब की बार तो हत्या ही कर दिया। क्या लगाया गया था? सांधा, सांधा जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज अंग्रेजी शब्द कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, वो लगाया गया था। क्या नाम आपका? नागेंद्र दास मेरा नाम हुआ। कौन है मृतक के? मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। अवतार दास को हत्या बहुत निर्मम तरीके से हुआ है, देखकर रोंगटे खड़े हो जाता है। अब आए दिन दलितों पे इस शहर में
हत्या हो रही है, प्रशासन से कभी भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले बहुत सारे केसों में दलितों पे हत्या हुआ है, मगर विगत दिनों में कभी किसी का गिरफ्तारी आज तक नहीं हुआ है। पता नहीं इस देश में दलितों का रहना अत्याचार हो चुका है, जीना मुश्किल हो चुका है। लगता कि दलित यहाँ रहना ही बेकार है। पता नहीं सरकार और प्रशासन क्या कर रही है, आए दिन दलितों पर हत्या हो रही है। मैं तो सरकार और प्रशासन से मांग चाहता हूँ कि दलित जिस परिवार को हत्या हुआ है उनके परिवार को एक सरकारी मुआवजा मिले, और जो नीतीश सरकार ने जो ऐलान किया है कि मैं एक नौकरी दूं, ये नौकरी देने का काम करे, और उससे पहले दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। घटना कब घटी है? घटना ये 5 तारीख की है, शाम को 8 बजे की है। मेरा नाम कुंदन केडी, पीपुल्स पार्टी ऑफ जिला अध्यक्ष। थाना मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, थाना मुकदमा दर्ज किया गया, प्रशासन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना, आपका थाना क्षेत्र? मेरा थाना क्षेत्र पता है, चेरकी।